हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सोहेल दलाल, आप सभी लोगों का स्वागत है संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज मैं यहां पे बात करने वाला हूं, हमें डिनर में कौन सी 5 ऐसी चीजें हैं जो रात को डिनर में नहीं खानी चाहिए। आप सब जानते हैं डिनर जो है वो हमारे पूरे दिन का एक सेंसेटिव मील है, मतलब के डिनर पे जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमारी पाचन शक्ति पूरे दिन के मुकाबले में कम होती है, यानी कि हमारा मेटाबॉलिक फायर वीक होता है। तो डिनर में हमें ऐसी 5 चीजों को, कौन सी ऐसी 5 चीजों को अवॉइड करना है कि जो हेल्दी तो है लेकिन उसको अगर हमने डिनर में यानी कि रात के खाने में उसका अगर शुमार किया तो वो 5 चीजें हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ सकता है, हमें स्किन की बीमारियां हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं, आपको क्रॉनिक फटीग यानी कि लिथार्जिक पना, कमजोरी का एहसास हो सकता है, कब्ज हो सकती है और आपका पूरा दिन खराब जा सकता है। तो आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो हेल्दी है खाने में लेकिन उसे हमें डिनर में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रिजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखने जाएं तो वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जी हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ हरे पत्ते वाली सब्जियाँ। हरे पत्ते वाली सब्जियाँ जो है वो एक्चुअली देखने जाएं तो खाने में बहुत ही हेल्दी होती है, जो हमारे शरीर को रेशेदार चीजें यानी कि फाइबर प्रोवाइड करती है, आयरन प्रोवाइड करती है और हमारे मल को आगे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करती है। लेकिन अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हमने रात के खाने में डिनर में शुमार किया तो उसकी वजह से हमें पूरी रात गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आपको ज्यादा शौक है और आपको हरे पत्ते वाली सब्जियां और भाजी ज्यादा खानी है, अगर डिनर में आप उसके बगैर नहीं रह सकते हैं तो आप जब आटा गूंदे तो उसके अंदर में थोड़ी भाजी को मिक्स करके फिर उसको लेंटल्स के साथ यानी कि दालों के साथ आप खा सकते हैं। रात के खाने के लिए बेहतरीन खुराक है, आप राइस के साथ दाल ले सकते हैं या तो आप चपाती के साथ कोई भी दाल ले सकते हैं। हो सके तो ग्रीन पत्ते वाली सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उसको रात के खाने में शुमार ना करें, उसको अवॉइड करें। दूसरा है सैलेड्स। हम सब जानते हैं कि सैलेड्स बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है और हर इंसान, अगर वेट लॉस करने के लिए बात करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करेंगे तो हर पर्सन सैलेड की बात करेगा कि सैलेड खाना चाहिए। जी हाँ, मैं भी कहता हूँ फ्रेंड्स कि सैलेड्स हमें खाने चाहिए लेकिन डिनर में आपको सैलेड्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं। कुछ ऐसे जूसी सैलेड्स हैं जैसे कि कुकुम्बर है, बीट रूट है, मूली है, इसको तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि ये कूलेंट नेचर के हैं और जिसकी वजह से शरीर में वायु की वृद्धि हो सकती है। वैसे अगर हम देखने जाएं तो जितने भी सैलेड्स हैं उसको पचाने के लिए ज्यादा मेटाबॉलिक फायर चाहिए क्योंकि वो कूलिंग यानी कि वातवर्धक नेचर के हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कूलिंग है, वो ठंडक के स्वभाव के हैं। और रात को जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, हमारी पाचन शक्ति कमजोर होने की वजह से हम अगर वो टाइम पे सैलेड्स खाएंगे तो हमें गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग का सामना करना पड़ेगा, पूरी रात हमको इंडाइजेशन रह सकता है, दूसरे दिन हमको कब्ज का सामना भी करना पड़ सकता है। तो रात के खाने में आप सैलेड्स को बिल्कुल इंक्लूड ना करें, रात के खाने में आप सैलेड्स को अवॉइड करें। फिर भी अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रात के खाने में सैलेड्स के बगैर बिल्कुल रह नहीं पाते हैं तो उन लोगों को थोड़े हॉट पोटेंसी वाले सैलेड्स जैसे कि बेल पेपर्स हैं या टोमेटोज हैं उसको सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च डाल के उसको थोड़ा गर्म करना है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। लेकिन आइडियल कंडीशन में आपको रात के टाइम पे सैलेड्स अवॉइड करना है। जी हाँ, थर्ड है कर्ड यानी कि दही। दही हम सब जानते हैं के बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरा हुआ है और दही हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं भी मानता हूँ कि दही हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है लेकिन दही एक कूलिंग नेचर यानी कि उसके अंदर में कूलिंग प्रॉपर्टीज है, वो हमारे मेटाबॉलिक चैनल को ब्लॉक करता है, इसीलिए रात के खाने में हमें दही का शुमार नहीं करना है। जो लोग भी रात के खाने में कर्ड का शुमार करते हैं उन लोगों को कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि सर्दी, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फीवर, ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके खाने में दही आ ही जाता है रात के खाने में और अगर आप उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें, उसको खाने से पहले उसमें एक चुटकी भर काली मिर्च डालें और 1 से 2 चम्मच से ज्यादा ना खाएं, और अगर उसको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करना ही उसके लिए ज्यादा उचित रहेगा। चौथे नंबर पे आता है जो चीज हमें रात को डिनर में अवॉइड करनी है वो है फ्रूट्स। यानी कि हमें रात को डिनर करने के बाद, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि रात को डिनर के बाद एज ए स्वीट डिश वो फ्रूट्स लेते हैं और वो समझते हैं कि ये एक हेल्दी वेरिएंट है। नहीं फ्रेंड्स,
रात को खाने के बाद हमें फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाने हैं। फ्रूट्स खाने का बेहतरीन समय है सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे से पहले। आप जो भी फ्रूट खाना चाहते हैं वो शाम को 5 बजे से पहले खाएं, और स्पेशली बनाना, ऑरेंज, गुआवा, वाटरमेलन, ये सारे कूलिंग प्रॉपर्टीज वाले यानी कि ठंडक करने वाले, कफ को बढ़ाने वाले फ्रूट्स हैं, उसको तो हमें रात को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसे फ्रूट्स हम रात को खाएंगे तो वो फ्रूट्स की वजह से हमें कफ, हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होगी और हमें काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको फ्रूट्स लेना कंपलसरी हो रहा है और आप रात को फ्रूट्स के बगैर नहीं रह पा रहे हैं तो आप रात के फ्रूट में पपाया है उसका समावेश कर सकते हैं, क्योंकि वो उष्ण है यानी कि वो हीटिंग प्रॉपर्टीज है, दूसरे फ्रूट्स की कंपैरिजन में वो हमें नुकसान नहीं करेगा, दूसरे फ्रूट्स की कंपैरिजन में वो बेटर है। अगर कोई भी फ्रूट की बात करें तो हर फ्रूट उसको खाली पेट ही लेना चाहिए, खाना खाने के बाद हमें फ्रूट नहीं लेना चाहिए। एक ऐसा फ्रूट है जिसको आप खाने के बाद ले सकते हैं वो है मैंगो, लेकिन उसको भी आप दोपहर को ले सकते हैं। रात को फ्रूट्स बिल्कुल अवॉइड करें। और पांचवें नंबर पे है भारी खाना यानी कि हैवी फूड। आज कल की हमारी दौड़ भाग भरी जिंदगी और शहरी लाइफस्टाइल में ये ट्रेंड हो चुका है कि हम कोई भी शादी में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, तो हमारा रात का खाना ही बाहर होता है और रात का खाना ही हैवी होता है। सनसेट होने के बाद अगर हम हैवी खाना रात के समय पे खाएंगे तो वो खाने की वजह से हमें इनडाइजेशन होगा, और रात का खाना अगर हैवी खाएंगे उसकी वजह से अपच होगा, जिसकी वजह से मोटापा, डायबिटीज और काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ सकता है। हैवी मील अगर आपको बाहर खाने की ज़रूरत पड़ ही गई है तो आप हो सके तो उसको लंच में लें, उसको डिनर में बिल्कुल ना लें। तो ये पांच चीज़ें हैं जिसको हमें हमारे डिनर में अवॉइड करना है। हमने ये जान लिया कि हमें डिनर में कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। अब कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपको डिनर में खाना है। डिनर है वो हमने हमेशा से सुना हुआ है कि डिनर शुड बी लाइक अ बेगर। हमारा रात का खाना जो है वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। रात के खाने में आप चपाती और दाल ले सकते हैं, रात के खाने में आप दाल और राइस भी ले सकते हैं। हो सके तो लेट नाइट बिल्कुल ना खाएं। लेट नाइट खाना खाने से आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आपको कभी लेट नाइट खाना पड़े और आप उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो लेट नाइट खाने से पहले थोड़ा सा जिंजर सैलेड यानी कि अदरक का सैलेड ले लें, उसके बाद खाना खाएं। और लेट नाइट खाना खाने के बाद आप 50 ml जितना गर्म पानी लें, इतना गर्म पानी लें कि जिसको आपको सिप सिप करके पीना पड़े, और उसके तुरंत बाद आप 200 से 500 कदम का वॉक करें। ऐसा करने से लेट नाइट खाया हुआ खाना आपका इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आशा रखता हूँ फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे दूसरे वीडियोस अगर आप हमसे चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर से लिखें। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। और संजीवनी आयुर्वेद हॉस्पिटल का वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको रोग मुक्त करने के लिए तैयार है। अरे देर किस बात की, जब हम होंगे साथ तो रहिए बेफिक्र आप। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रीजुविनेट योर माइंड, बॉडी एंड सोल। कॉल नाउ 7575098494 या 9879428494। 116-117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।